and gentlemen, please welcome on stage Miss Anamika Malhotra. जब रास्ता ना रुके और मंजिल ना दिखे तो इंसान को क्या करना पड़ता है? इंतजार। तो लू का जवाब बताने के लिए मुझसे लास्ट मिनट तक इंतजार करवाया अनामिका ने। क्रेजी। This is R&J clothing. Only the best for the best. बेहतरीन लोगों के लिए बेहतरीन लिबास और ये सिर्फ एक इंसान की वजह से पॉसिबल हो पाया है और उस इंसान के लिए R&J clothing सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है उनका ये जुनून है सपना है And I feel proud कि उनके जुनून और सपने का मैं एक हिस्सा हूं So ladies and gentlemen, please welcome Mr. Jeet Saluja. आप ही अजीब मुझे तो लगा आप नहीं आएंगी फिर कैसे आपने बुलाया और मैं आ गई मैंने तो आपको 15 बार पहले भी कॉल किया था तब तो आपने जवाब नहीं दिया मैं आपकी 16th कॉल का वेट कर रही थी एक्चुअली मैंने आपको 15 बार कॉल किया लेकिन लगातार आपका फोन स्विच्ड ऑफ आ रहा था इसलिए मैं चाहती थी कि आप 16 टाइम्स मुझे फोन करें फिर मैं आपके कॉल का आंसर करूंगी
सिंपल है। जितना आपने मुझे सताया उससे थोड़ा ज्यादा मैं आपको सताना चाहती थी। फिर जब आपने मुझे 16 टाइम फोन किया, मुझे लगा कि आप शायद मुझसे थोड़े ज्यादा परेशान हैं, बेकरार हैं, इसलिए मैं आ गई। आप भी हद करते हैं। आपने अभी तक हद देखी कहाँ है मिस्टर सलूजा? समझते क्या है खुद को? ये भी कोई बात हुई? क्या हुआ? अब तुम ही देखो, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पूरा दिन बीत गया, फिर भी मिस्टर जीत सलूजा ने आकर मुझे एक छोटा थैंक्स भी नहीं बोला। सॉरी टू से रानो, पर वो ना बहुत ही रूखे टाइप के इंसान है। नो, खड़ूस, खड़ूस इज अ परफेक्ट वर्ड। अब तुम हंस रही हो? हाँ, तुम उन्हें रूखा और खड़ूस जो बोल रही हो इसीलिए। अच्छा एक बात बता, मिस्टर जीत ने एक जेंटलमैन की तरह तुम्हारे लिए चेयर खींची है? तुम्हारे आंसू पहुंचे? क्या तुम्हारे लिए कभी कार का दरवाजा खोला है? I'm so sorry. Gentleman. हाँ, उन्होंने ये सब किया है बहुत बार। और कितनी बार? नहीं, मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। होगा, तुम्हें मेरी हर बात पे विश्वास होगा और बहुत जल्दी। तुम जितना बुरा उन्हें बना रही हो ना या समझ रही हो, उतने बुरे नहीं है छवि। व्हाटएवर, मुझे अब इस बारे में कुछ बात नहीं करनी।
आप क्या कर रहे हैं मिस्टर सलूजा? शायद आप मुझे गलत समझ रहे हैं। आपको क्या लगा मैं एक मॉडल हूं तो कोई भी मेरे करीब आ सकता है? नो, मैं वैसी लड़की नहीं हूं और आपकी इस हरकत से बहुत हैरान हूं। रियली हॉट। क्या लगा मैं एक मॉडल हूं तो कोई भी मेरे करीब आ सकता है? नो, मैं वैसी लड़की नहीं। मैं भी ऐसा नहीं हूं अनामिका। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? हम सब तैयार हैं, चेकआउट करना है। आप हमेशा टाइम पर रेडी रहते हैं, लेकिन आज काफी लेट हो गया तो मैंने सोचा चलकर देख लूं। सब ठीक तो है ना सर? या, आई एम फाइन। अभी कुछ काम बाकी था प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद का, इसलिए। लेकिन सर, वो सब तो छवि मैडम ने कर लिए। तुम जल्दी जाके तैयार हो जाओ, मेरे प्रोडक्ट की मॉडल तुम होगी। Oh yes, Chhavi. ये क्या हो रहा है मुझे? मैं ऐसे बिहेव क्यों कर रहा हूं? सर, आपने कुछ कहा? नहीं, वो मैं तैयार हो गया था। ठीक है सर। देखा तुमने, मुझे अभी तक थैंक्स या सॉरी भी नहीं बोला। मेरा यकीन मानो, वो तुम्हारी मेहनत को कभी नहीं भूलेंगे और वो तुम्हें थैंक यू जरूर बोलेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा, तुम देखना। थैंक यू। फॉर यस्टरडे, तुम बहुत सुंदर लग रही थी और जो तुमने किया उसके लिए थैंक्स। वाओ,
खुद। वो मुझे पता था जीत सर काम में बिजी रहे होंगे तो भूल गए होंगे मुझे थैंक्स बोलने के लिए। तुम ठीक कह रही थी रानो, वो इतने बुरे नहीं है। नहीं बिल्कुल है, क्यों नहीं है वो? क्या कह रही थी तुम थोड़ी देर पहले? वो है खड़ूस है ना? वो खड़ूस है पर जरा स्वीट वाले खड़ूस है। ओ अच्छा बाय, जीत सर मेरा वेट कर रहे होंगे। अच्छा मुझे लगता है अब कुछ कुछ ठीक होने जा रहा है। हे माता रानी सब ठीक कर देना। आइए अंदर। नहीं वीर जी, इस घर की चौखट को लांघकर मैं अपनी कसम नहीं तोड़ना चाहती। ये क्या कह रही है आप परजाई जी? मैं जो कहना चाहती हूं वो इन पेपर्स पर लिखा है। ये क्या? ये पढ़ लीजिए। ये पर जैसे क्या है? ये वही जो आप पढ़ रहे हैं। मैं बंटवारा चाहती। मैंने अपने वकील से बात कर ली है, आप भी कर लीजिए। थैंक यू। वो मिस अनामिका ने चेकआउट कर लिया क्या? हाँ सर, वो तो सुबह ही चली गई। सर थैंक यू फॉर द फ्लावर्स। हाँ नहीं एक्चुअली थैंक्स तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए था। तुम्हारी वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक ठाक निपट गई। सर मैं सामान गाड़ी में रखवाती हूँ। सुनो वो बॉय रख देगा ब्रेकफास्ट। हाँ मैं वहीं जा रहा था। कम ओके तुम्हारा घर आ गया। कैसी लड़की हो तुम? बिना थैंक यू बोले जा रही हो? जीत सर थैंक्स ब्रेकफास्ट के लिए। क्या तुम हर छोटी छोटी बात के लिए थैंक्स बोलती हो?
इट्स ओके बाय 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 वकील साहब कितना टाइम लगेगा इस सारे प्रोसेस में 7 दिन में ये सब पेपर्स प्रोसेस हो जाएंगे उसके अगले हफ्ते में सलूजा के साथ वालिया की पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी उसके 1 महीने में पूरा बंटवारा हो जाएगा खड़ी है खरौंद के विरुद्ध